सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को मनमाना करार देते हुए व्यक्तिगत चुनाव को सम्मान देने की बात कही। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 17 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। ये ऐतिहासिक फैसला है, संविधान की मर्यादाओं के अनुकूल है, संविधान में निहित जो मानव अधिकार हैं उनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति की राइट ऑफ चॉइस को और उसकी जो नेचुरल ओरिएंटेशन है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान की मर्यादा के खिलाफ होगा, इसीलिए उन्होंने सेक्शन 377 के कुछ हिस्सों को अवैध ठहराया है और ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बिना पर उसको समाज से वंचित नहीं किया जा सकता। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कई अहम टिप्पणियां की हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा, आइए अब जानते हैं। भारत में दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंध बनाना अब अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 से बाहर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को मनमाना करार देते हुए व्यक्तिगत चुनाव को सम्मान देने की बात कही। आपको बता दें कि 17 जुलाई को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये ऐतिहासिक फैसला है, संविधान की मर्यादाओं के अनुकूल है, संविधान में निहित जो मानव अधिकार हैं उनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति की राइट ऑफ चॉइस को और उसकी जो नेचुरल ओरिएंटेशन है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान की मर्यादा के खिलाफ होगा, इसीलिए उन्होंने सेक्शन 377 के कुछ हिस्सों को अवैध ठहराया है और ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बिना पर उसको समाज से वंचित नहीं किया जा सकता। आईपीसी में 1861 में शामिल की गई धारा 377 समान लिंग वालों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध मानती थी। इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दो बालिग एकांत में आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन बच्चों या जानवरों से ऐसे रिश्ते अपराध की श्रेणी में बरकरार रहेंगे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कई अहम टिप्पणियां की। समलैंगिक समुदाय को भी आम नागरिकों के बराबर अधिकार हासिल हैं। समाज को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए, हर बादल में इंद्रधनुष खोजना चाहिए। एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना सर्वोच्च मानवता है। समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखना बेतुका है, इसका बचाव नहीं किया जा सकता। इतिहास को LGBT समुदाय को सालों तक पीड़ा, कलंक और डर के साए में रखने के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरों की पहचान को स्वीकार करने के मामले में नजरिया और मानसिकता बदलनी चाहिए। लोगों को कैसा होना चाहिए इस नजरिए के बजाय लोग जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करने की मानसिकता होनी चाहिए। वहीं बालिक समलैंगिकता की धारा 370 से बाहर किए जाने के फैसले के बाद कई राज्यों में LGBT समुदाय के लोगों और एक्टिविस्ट ने खुशी मनाई। It was much needed. It was much needed. We need to decriminalize. I mean, the Supreme Court simply decriminalized something which is shouldn't be seen as unnatural or against the order of nature. So it was actually crazy to have a law which was describing as unnatural something which should not even thought of as unnatural.
आपको बता दें कि धारा 377 की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2009 में इस पर फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने दो वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के तहत समलैंगिकता को दोबारा अपराध करार दिया था। इसके बाद याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी, जहां से मामला बड़ी बेंच को भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। समलैंगिकता को लेकर किस तरह से एक विशेष समुदाय ने अपनी लड़ाई लड़ी और कब कब यह मुद्दा कानून की चौखट पर पहुंचा और कब किस अदालत ने क्या फैसला दिया, देखिए रिपोर्ट। धारा 377 पर अब तक क्या कुछ हुआ? देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को IPC की धारा 377 की कानूनी वैधता पर फैसला सुना दिया है। पहले आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंध को आपराधिक कृत्य माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के मुताबिक समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, AM खानविलकर, DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सिंधु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया था। ताजा आदेश में सुप्रीम अदालत ने अपने पिछले आदेश को पलट दिया है, यानी अब समलैंगिक संबंध बनाना अपराध नहीं है। 2013 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट को इसके विरोध में कई याचिकाएं मिली। IIT के 20 छात्रों ने नाथ फाउंडेशन के साथ मिलकर याचिका डाली थी। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने भी समलैंगिक संबंधों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। द ललित होटल्स के केशव सूरी ने भी एक याचिका दायर की थी। अब तक सुप्रीम कोर्ट को धारा 377 के खिलाफ 30 से ज्यादा याचिकाएं मिली हैं। याचिका दायर करने वालों में सबसे पुराना नाम नाथ फाउंडेशन का है, जिसने 2001 में भी धारा 377 को आपराधिक श्रेणी से हटाए जाने की मांग की थी। क्या है धारा 377? भारतीय दंड संहिता IPC में समलैंगिकता को अपराध माना गया है। IPC की धारा 377 के मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 साल की सजा या आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान था। यह अपराध गैर जमानती था। समलैंगिक संबंधों को लेकर क्या कहते हैं नियम? भारत में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा गया था और इसे आपराधिक श्रेणी से हटाए जाने के लिए ही यह सुनवाई हुई। हालांकि इस मामले में कई पेच हैं। निजता के अधिकार पर एक सुनवाई करते हुए साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यौन व्यवहार सीधे तौर पर निजता के अधिकार से जुड़ा है। यौन व्यवहार के आधार पर भेदभाव करना व्यक्ति विशेष की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।